हेलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू में भी बेसिकली uh, जो मेन था वो हमने देखा था बल्क मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी एलास्टिसिटी ठीक है ना जो कि इसके बारे में चार कंक्लूजन बताया था आपका फॉर्मूला ये है डेल सॉरी डीपी बाई डेल डी वी बाई डी वी बाई वी दैट मीन इज कॉल्ड इज अ बॉलोमेट्रिक स्ट्रेन दैट मीन इज अ डी पी एक और फॉर्मूला दैट मीन इज डी रो बाई रो दैट मीन इज एक्सैक्टली कॉल्ड एज अ बल्क मॉडुलस और उसके चार मैंने क्या बताए थे चार कंक्लूजन ड्रॉ किए थे पहला था ये

Uh, uh, किस चीज को किस चीज के बारे में बताता है इट टेल्स अबाउट द इनकंप्रेसिबिलिटीबिलिटी एज द के द फोर्थ वन द फोर्थ वन एज द प्रेशर इंक्रीजेज द के ऑल्सो इंक्रीजेज इट मीन्स इट मींस इसका मतलब ये है कि दैट इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर क्रिएट्स फर्दर रेसिस्टेंस फॉर द फर्दर कंप्रेशन ठीक है जब आप प्रेशर इंक्रीज करते होता इट मीनियल से फर्दर कंप्रेशन ठीक है ना इसका मतलब यह है फ्लूड फ्लूड क्रिएट्स मोर रेसिस्टेंस फॉर द फर्दर कंप्रेशन यही चार एक्चुअली हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए थे और उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी बताया था मैंने कंप्रेसिबिलिटी के बारे में तो क्लियरली है कि कंप्रेसिबिलिटी जिसे बीटा से डिनोट करते हैं दैट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द के ठीक है ना गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा और लिक्विड uh, के लिए कंप्रेसिबिलिटी कम होगा ठीक है लेकिन मैंने कहा कि जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है जो यहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द सिलेबस यहां पे क्या है थ्रू आउट हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूड और इनकम फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है थ्रू आउट इनकम्प्रेसिबल फ्लूड और इनकम फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं हैं तो कई बार ऐसे numericals आते हैं जिसमें गैस फ्लोज की बात हो जाती है कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके फ्लूड में आते हैं जिसमें गैस फ्लो की बात आ जाती है तो आप यही कहोगे कि सर गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होते हैं फिर हम इस फ्लू मैकेनिक्स में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम ये पढ़ के चलते हैं कि एयर फ्लो हो रहा है गैस फ्लो हो रहा है आखिर कैसे तो एक नोट में पॉइंट छोटा सा डिस्क लिख लीजिएगा नोट में छोटा सा पॉइंट दैट इज दैसे इवन इवन गैस फ्लो इवन गैस फ्लो ऑफ एन कैन बी टेकन टू बी कैन बी टेकन टू बी कैन बी टेकन टू बी इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा रियलाइज कर सकते हैं यहां पर गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं गैस फ्लो की बात कर रहा हूं जबकि लिक्विड क्या है आपका लिक्विड इट सेल्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड की बात कर रहा हूं अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है तो यह हर हाल में इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा ही होगा प्रॉब्लम एट ऑल गैसेस क्या है आपका कंप्रेसिबल फ्लूड है लेकिन इसके फ्लो को भी समटाइम्स क्या कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो ले सकते हैं वेन वेन डेंसिटी वेरिएशन वेन डेंसिटी वेरिएशन टेक एन टेक एन डेंसिटी वेरिएशन टेक एन हटा दीजिए डेंसिटी वेरिएशन अंडर अबाउट अंडर अबाउट फाइव परसेंट

आपके अगेन में इस चीज को प्रूफ करता हूं बट मैं आप में प्रूफ नहीं करने वाला हूं क्योंकि में हम के बारे में पढ़ते ही नहीं है completely of, दो तरीके से आप कर सकते हो एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं बर्नौली इक्वेशन से भी आप कर सकते हैं और एज यूजुअल आप स्टडी फ्लो एनर्जी से भी कर सकते हैं मैक नंबर लेस देन इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री तो आपका क्या होगा इनकम्प्रेसिबल गैस फ्लोज ऑल्सो गैस फ्लोज भी क्या हो जाएगा आपका गैस फ्लोज आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो की तरह ट्रीट करेंगे और कब जब डेंसिटी वेरिएशन आपका अंडर अबाउट डेंसिटी वेरिएशन आपका अंडर अबाउट वॉट अंडर अबाउट फाइव परसेंट एंड जनरली इट इज वेन मैक नंबर इज लेस देन जीरो पॉइंट थ्री वी एफ सी एकॉस्टिक और इस कॉस्टिक वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा मैं प्रॉपर बताऊंगा कि ये कॉस्टिक वेलोसिटी क्या है ठीक है ना जब हम आ, आपका डायमेंशनल एनालिसिस में जाएंगे अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ठीक है अगर हाँ कंप्रेसिबल फ्लो अगर हमें पढ़ना होता सपोज टू बी कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ना होता तो ये बताता मैं कि आखिर फ्लो में ये इकोस्टिक वेलोसिटी क्यों जनरेट हो रहा है ये फ्लो में आपका वेलोसिटी आखिर क्यों आने का रीजन क्या है ये बताता अगर हमें कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ना होता तो बट ऐसा कुछ है नहीं इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखूंगा ठीक है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखूंगा और वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम जहां पे एनालिसिस पे? पे पढ़ेंगे ठीक है ना डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे Less than equal to तब क्या होगा आपका होगा आपका फ्लो चलिए आगे बढ़ते हैं विस्कोसिटी के बारे में आई एम गोइंग टू मूव ऑनवर्ड्स ऑन विस्कोसिटी और मैंने कल ही बताया था प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने कि प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बाद में देखेंगे इसे जनरली से डिनोट करते हैं विस्कोसिटी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है और इसी के कारण मैंने कहा था कि आपका फिल्म विज्ञान का सिलेबस इतना वास्ट हो जाता है ठीक है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दैट विस्कासडी अगर ये विस्कासडी नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पढ़ना रहता सिर्फ और सिर्फ हमें अप टू द इक्वेशन उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं रहता सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लो के बारे में पढ़ना होता हमें इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना होता अगर विस्कासडी नहीं होता है तो बट ये है कि विस्कासडी है सो वी हैव टू जिसके कारण आपका आपका फ्लूड में कहने सिलेबस वस काफी वास्ट हो जाता है आइए देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द विस्कोसिटी सबसे पहले तो लिखेंगे लिखूंगा इसके बारे में इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड ऑफ द फ्लूड ठीक है ना इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड ठीक है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड इट ऑफर्स इट ऑफर्स It offers resistance resistance between the fluid layers fluid layers fluid layers when that fluid layers are when they are in relative motion when they are in relative मोशन वेन दे आर इन रिलेटिव मोशन आर इन रिलेटिव मोशन दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत ज़्यादा लाइन है ये ध्यान दीजिएगा वेन दे आर इन रिलेटिव मोशन ठीक है मोशन जब ये फ्लूड लेयर्स क्या होंगे रिलेटिव मोशन में होंगे तो क्या करेगा इडोफर्स इडोफर्स इंटरनल रेसिस्टेंस इट ऑफर इंटरनल रेसिस्टेंस चलिए इंटरनल लिख दे रहा हूं मैं कोई बात नहीं है इट ऑफर इंटरनल बिटवीन द लेयर्स व्हेन दे आर इन रिलेटिव मोशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन दे आर इन रिलेटिव मोशन ठीक है एक चीज और लिख दे रहा हूं यहीं पे समझाऊंगा मैं बाद में ठीक है ना इसका मतलब ये है कि दैट इज इट ओनली दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली रियलाइज This property, this property can only be realized, can only be realized, can only be realized when the fluids are in, fluids are in relative fluid layers, it will be better, fluid layers आर इन रिलेटिव रिलेटिव मोशन मोशन ठीक है समझाऊंगा एक एक चीज समझाऊंगा डोंट वारी बिल्कुल इस विस्कॉसिटी को इस विस्कॉसिटी को फ्रिक्शन से कोरिलेट करके समझाऊंगा डोंट वारी ठीक है ना फ्रिक्शन से और कोई फिश ऑफ फ्रिक्शन से कोरिलेट करके करके समझाऊंगा सो डोंट वारी इसके लिए पहले जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखते जाइए दैट इज दिस प्रॉपर्टी कैन ओनली बी रियलाइज वेन द फ्लूड लेयर्स आर इन रिलेटिव मोशन बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ दैट स्लोअर लेयर स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लो डाउन

सा ठीक है ना और इट्स वॉइस वर्सा एक लास्ट पॉइंट सब कुछ मैंने कहा इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मतलब एक तरीके से डिफाइन करते हैं इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इट इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पैरामीटर इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पैरामीटर टू मेजर मेजर इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ पैरामीटर टू मेजर द मेजर द रेसिस्टेंट टू रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन मैंने कहा कि एक एक चीज को समझाऊंगा पहले एक एक मैंने कहा कि पूरा का पूरा विस्कासिटी को फ्रिक्शन से इंटरलिंक करके समझाऊंगा पूरा एक एक चीज डोंट वरी जितना मैंने लिखा है ठीक है सबसे पहले बात आ जाते हैं इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द इट ऑफर्स इंटरनल रेसिस्टेंस इट ऑफर्स इंटरनल बिटवीन द इन रिलेटिव मोशन सबसे पहली चीज याद कीजिए क्या करेगा कि अगर बहुत सारे लेयर मूव कर रहे हैं अगर बहुत सारे लेयर मूव कर रहे हैं सपोज टू बी वी वन वी टू वी थ्री वी वी फोर तो क्या करेगा ये इन दोनों के बीच एक इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के बीच दो लेयर हैं तो दो लेयर के बीच क्या करेगा एक इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर करेगा इसका मतलब क्या इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या कि v2 अगर सपोज टू बी v1 इज ग्रेटर देन v2 है v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v4 तो v2 वाला क्या चाहेगा इसके v1 की वेलोसिटी को स्लो करने की कोशिश करेगा यानी कि कुल मिला के विस्कॉसिटी क्या है ये समझिए बात को ये फ्लूड का एक प्रॉपर्टी ऐसा है जिसके कारण फ्लूड लेफेक्ट आता है फ्रिक्शनल इफेक्ट आता है फ्लू लेयर्स के बीच भी इंटरनल रेसिस्टेंस आता, आता, आता है और फ्रिक्शनल इफेक्ट आता है ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका मतलब मैंने कहा कि ये V2 अगर ग्रेटर है तो V2 वाला लेयर क्या चाहेगा इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो V1 ले वाले लेयर को स्लो करना चाहेगा उसको रसिस्ट करना चाहेगा उसके फ्लो को इसका मतलब साफ है इसका मतलब क्लियर है कि यानी कि विस्कोसिटी एक ऐसा फ्लूड का प्रॉपर्टी है कि फ्लूड के लेयर के बीच इसके कारण क्या आता है इसके कारण फ्लूड लेयर के बीच भी जब वो फ्लूड रिलेटिव मोशन में होते हैं तो फ्रिक्शनल इफेक्ट क्लियर करता है फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट करता है फ्रिक्शनल इफेक्ट क्रिएट करता है और शायद आप बचपन से ये चीजें जानते हो बचपन से ये चीजें आप जानते हो कि फ्रिक्शनल इफेक्ट फ्रिक्शनल इफेक्ट फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेज द ऑलवेज अपोजेज द ऑलवेज अपोजेज द ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव ऑलवेज अपोजेज द रिलेटिव मोशन

इसको जनरली कॉल्ड एज द दिस्कोर्स ठीक है ना विस्कस फोर्स यानी कि इस विस्कोसिटी के कारण क्या आएगा एक फ्रिक्शनल इफेक्ट आएगा जिसे जनरली हम विस्कस फोर्स कहते हैं और नथिंग बट द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन आइए जब रिलेटिव मोशन की बात हो गई तो इसकी पहले ही इसे समझते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लोज डाउन द फास्टर लेयर ठीक है ना सीधी सी बात है जब विस्का की बात आई इसे भी समझेंगे ठीक है ना इसे भी समझेंगे हम मैंने कहा कि जब इसकी बात हो ही गई तो आप फ्रिक्शन पे चलते हैं यहां पे तो देख ही फ्रिक्शन पे चलते हैं फ्रिक्शन पे समझना हमारे लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा मान लो कि सपोज बी ए है ये बी है ये ए है ये बी है ए को मैंने सर्टेन विन से इम्पार्ट किया और इसे वी टू से इम्पार्ट किया मैंने दोनों ब्लॉक को और मान लिया मैंने v1 वन इज ग्रेटर बी टू बी वन इज ग्रेटर बी टू क्या होगा ए A पे A पे A पे बी क्या करेगा बी ए पे रिलेटिव मोशन बी के रेस्पेक्ट में ए आगे जा रहा है बी के रेस्पेक्ट में ए क्या होगा आगे जाएगा तो इस पर एक फ्रिक्शन इफेक्ट फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ठीक है ना फ्रिक्शन इफेक्ट पीछे की ओर लगेगा जिसके कारण बी बी मान लीजिए बी का बी स्लोअर है स्लोअर बॉडी ट्राइज़ टू डाउन द फास्टर बॉडी स्लोअर बॉडी बॉडी, ट्राइज़ टू डाउन द फास्टर और यू कैन से द स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लोस डाउन द बी क्या करना चाहेगा जो स्लोअर है ए ए जो फास्टर है उसको स्लो करने की कोशिश करेगा और क्या करने की कोशिश करेगा इट्स इट्स वाइसा कहने का अर्थ है अगर एक में एक में बी का वेलोसिटी कम है तो रिलेटिविटी थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि एक रेस्पेक्ट में बी कहां जाएगा बी पीछे की ओर जाएगा एक रेस्पेक्ट में बी पीछे की ओर जाएगा तो बी को क्या चाहेगा वो ऑलवेज अपोज इज द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोज इज द रिलेटिव मोशन तो मैंने कहा करने की कोशिश करेगा और फास्ट मूव कराने की कोशिश करेगा इसलिए मैंने यहां पर लिखा और इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ऑल्सो ट्रू इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू तो मैंने कहा कि ये क्लियर है ये क्लियर है कि भाई फ्रिक्शन है तो ऑलवेज बात ये है कि ये क्या है इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस दिस पर्टिकुलर लाइन इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं जनरली स्टूडेंट मुझसे आगे कहते हैं कि सर आप इसे इंटरनल प्रॉपर्टी कह रहे हो लेकिन ये तो तभी एग्जिस्ट कर रहा है जब आपका रिलेटिव मोशन आ रहा है ये आप जनरली स्टूडेंट मुझसे आके एक चीज का क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप इसे इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड कह रहे हो लेकिन ये तो क्या है ये तो तभी अपियर हो रहा है ये तभी आप रियलाइज कर पा रहे हो ये तभी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो जब ये क्या है द फ्लूड आर इन रिलेटिव मोशन द फ्लूड आर इन रिलेटिव मोशन तो उसका जवाब भी है कि कैसे ये इंटरनल प्रॉपर्टी है हाउ इट विल बी इंटरनल प्रॉपर्टी तो हम इसे कैसे इंटरलिंक uh, करेंगे हम इसे इंटरलिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ हम इसे इंटरलिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोईट ऑफ फ्रिक्शन हम इसे इंटरलिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोट ऑफ ऑफ फ्रिक्शन ठीक है ना कई चीजें होती हैं कि इंसान के पास कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होता है लेकिन जब एक जब सीधा सा एग्जांपल समझा रहा हूं कई चीजें ऐसी होती है इंसान के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लेकिन उसे रियलाइज कब कर पाते हो एक सर्टेन कंडीशन में उसे रियलाइज कर पाते हो कि अच्छा उसके पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ठीक है ना मैंने कहा एक इंसान के पास बहुत सारे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लेकिन उसे रियलाइज आप कब कर सकते हो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को सर्टेन कंडीशन में आप रियलाइज कर सकते हो ठीक है ना वैसा कुछ हो जिसके कारण उसका कैरेक्टरिस्टिक सामने निकल के आए तब आप रियलाइज कर सकते हो मैंने कहा कि सिंपल सा एक एग्जांपल समझते हैं टेंशन मत लीजिए इतना कुछ मैंने कहा कि सपोज टू बी ऑफ ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन की बात करूं इफिसियंट ऑफ ये भी म्यू से ही डिनोट होता है लेकिन दोनों में डिफरेंट के लिए मैं इसे म्यू एफ कर दे रहा हूं कोई ऑफ फ्रिक्शन कोई ऑफ फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है कोई ऑफ फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है सरफेस की प्रॉपर्टी है कोई ऑफ फ्रिक्शन किसकी प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट सर्फेसेस की प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट सर्फेसेस की प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट सर्फेसेस की प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट सर्फेसेस की प्रॉपर्टी है और क्या जनरली स्टूडेंट ये जानते हैं कि जनरली ये जानते हैं कि दो सरफेस दो सरफेस हैं उनके इरेगुलरिटीज या रफनेस के कारण उन दोनों सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग होता है मैंने कहा जनरली स्टूडेंट ये जानते हैं कि सरफेस सरफेस कांटेक्ट में आने पे ठीक है ना सरफेस प्रॉपर्टी है कांटेक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी है म्यू एफ़ ध्यान दीजिएगा दट वन इज म्यू एफ इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस सर्फेस ठीक है ना और आप सभी लोग जानते हो कि जनरली जनरली स्टूडेंट ये जानते हैं कि इरेगुलरिटी सरफेस इरेगुलरिटीज या उसे कहते हैं या उसे कहते हैं रफनेस उस रफनेस के कारण दो जब सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके रफनेसेस के बीच उनके रफनेसेस के बीच क्या जाते हैं रफनेस के बीच क्या हो जाता है इंटरलॉकिंग हो जाता है अब इंटरलॉकिंग है सपोज टू बी तो तो करेगा करेगा, करेगा करेगा, करेगा करेगा, करेगा, ही 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 ये 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 जब ठीक है ना इंटरलॉकिंग हुआ है लेकिन अगर सपोज टू भी अभी इसकी वेलोसिटी जीरो है तो क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो अभी मैं यहाँ शांत खड़ा हूं तो क्या रियलाइज कर पा रहे हो वेदर देर ऑफ फ्रिक्शन और नॉट ऐसे दोनों को दोनों पाम को क्या कर लो चिपका लो दोनों के बीच किसी तरीके का मत मत दो मत दो रिलेटिव इनके बीच भी सरफेस प्रॉपर्टी कॉन्टेक्ट सरफेस प्रॉपर्टी के कारण म्यू एफ है लेकिन क्या ये आपको रियलाइज हो पा रहे हैं कि द म्यू एफ फ्रिक्शन कोई ऑफ फ्रिक्शन है या नहीं है इसे आप रियलाइज कब कर पाओगे इसे रियलाइज आप तभी कर पाओगे जब सर्टेन क्या होगा आपका जब सर्टेन आपका जब सर्टेन आपका क्या होगा जब सर्टेन वेलोसिटी मेंटेन करोगे रिलेटिव वेलोसिटी मेंटेन करोगे तो वही मैंने कहा म्यू एफ तो है बिकॉज दैट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्ट सर्फेसेस बट ये रियलाइज कब कर पा रहे हो जब रिलेटिव मोशन में है उसी तरीके से म्यू भी फ्लूड के अंदर है लेकिन उसे रियलाइज कब कर पा रहे हैं जब टेंशन मत लीजिए ये हम समझेंगे रीजन ऑफ म्यू एक्चुअली क्या है वो हम प्रॉपर समझेंगे डिटेल्ड वे में समझेंगे कि आखिर रीजन ऑफ म्यू फ्लूड में क्यों आता है रीजन ऑफ विस्कोसिटी फ्लूड में क्यों आता है लेकिन ये चीज है कि म्यू पहले से मौजूद है लेकिन उसे रियलाइज कब कर पाते हैं वेन दे आर इन रिलेटिव मोशन दिस प्रॉपर्टीनली रियलाइज ले जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ वो प्रॉपर्टी अगर नहीं रहता तो रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं करता लेकिन रिलेटिव हुआ वो प्रॉपर्टी है तभी तो रिलेटिव मोशन को क्या करना शुरू कर रहा है अपोज करना शुरू कर रहा है इसका मतलब फ्लू लेन आर इन रिलेटिव मोशन ठीक है ना अब एक छोटा सा सा चीज चीज और आप लोगों को बता दूं, एक सा एक छोटा जानकारी दे दूं, कि कि हम ये जानते हैं surface irregularities के कारण फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है बट ये क्लियर कह दूं मैं कि सपोज टू बी रबर रबर की बात करू मैं और ग्लास की बात करूं मैं रबर और ग्लास के कांटेक्ट की बात करूं मैं रबर और ग्लास के कांटेक्ट की बात करूं मैं तो इनके बीच तो कोई सरफेस रेगुलरिटीज होता नहीं है लेकिन आप रियलाइज करना इनके बीच भी क्या है आपका आप रियलाइज करना इनके बीच भी इनके बीच भी फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होता है द ग्लास एंड द रबर के कॉन्टेक्ट में आने पर आपका फिक्सनल कोइफिशियंट बहुत ही ज्यादा होता है ऑलमोस्ट नियर अबाउट वन और समटाइम्स वन से ग्रेटर होता है ठीक है ना बहुत ही ज्यादा होता है समटाइम्स नियर अबाउट वन और वन से आपका ग्रेटर होता है ठीक है वन से आपका ग्रेटर होता है तो यहां पे आकर फिर फ्रिक्शन क्यों प्रेजेंट है यहां पे आकर फ्रिक्शन क्यों प्रेजेंट है सरफेस इरेगुलरिटीज के कारण नहीं मैंने कहा ना कि म्यू प्रेजेंट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट uh, सर्फेस uh, uh, की अपनी प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस यहां पे कॉन्टैक्ट सर्फेसेस के बीच ग्लास और रबर के बीच फोर्स ऑफ एडेशन लगता है 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 एडेसिव फोर्स का मतलब दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच अगर फोर्स लगे दैट वन इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ एडेशन फोर्स ऑफ एडेशन जिसके कारण यहां पे फ्रिक्शन क्या होता है बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा होता है इवन दो रबर और रबर की बात करें अगर हम दो सिमिलर रबर और रबर की बात करें तो इनके बीच भी फ्रिक्शन बहुत हाई होता है एंड दैट इज ऑबियस रबर और एक सेम रबर सरफेस की बात करें तो इनके बीच भी आपका क्या होता है फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है एंड इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेसन बिकॉज ऑफ फोर्स इज बिकॉजन बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन बिकॉज ऑफ फोर्स का मतलब दो सिमिलर मॉलिक्यूल तो याद रखिएगा याद रखिएगा फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होता है या कोई फ्रिक्शन जनरली हम लोग जानते हैं कि सरफेस रफनेस के बीच सिर्फ सरफेस रफनेस के कारण नहीं होता है एडेसिव हो फोर्स के कारण भी हो सकता है और कोहेसिव नेचर ऑफ फोर्स के कारण भी हो सकता है इन द सेम वे विस्कोसिटी भी यहां पे तो आएगा इट्स ओके लेकिन कुछ ना कुछ होगा कुछ इसी तरीके से जिसके कारण फोर्स ऑफ या फोर्स ऑफ वी विल सी देखेंगे हम कि कुछ ना कुछ तो होगा जिनके कारण मैंने कहा कि विस्कोसिटी का प्रॉपर रीजन देखेंगे ठीक है ना कुछ ना कुछ तो होगा जिसके कारण यहां पे भी विस्कोसिटी प्रेजेंट हो रहा है वी विल सी ठीक है ना कुछ ना कुछ ऐसा ही कंडीशन कुछ होगा वी विल सी सरफेस रफनेस तो है नहीं ठीक है तो विल सी जिसके कारण आपका विस्कोसिटी आपका यहां पे प्रेजेंट हो रहा है तो सारी चीजें हम लोग देख लिए हैं मैंने कहा कि एक चीज यहां हम पे हमने नहीं देखा ये चीज हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे जब मैथमेटिकल एनालिसिस पे आऊंगा तो ये अपने आप आपको दिख जाएगा जब मैथमेटिकल एनालिसिस पे आऊंगा तो ये अपने आप आपको दिख जाएगा डोंट वरी सो प्लीज आगे बढ़ेंगे हम ठीक है ना आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है चल आगे बढ़ेंगे इसे मिटा रहा हूं ना? क्या है आपका इस विस्कासिटी के कारण बहुत ही बड़ा फेनोमिना एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है आपका दैट इज कॉल्ड एज द नो नो स्लिप स्लिप कंडीशन कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज अ इस विस्कोसिटी के कारण इस फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण इस फ्रिक्शनल इफेक्ट के प्रॉपर्टी के कारण ठीक है ना इस विस्कस इफेक्ट ठीक है ना मैंने कहा बिकॉज ऑफ दैट विस्कोसिटी देयर विल बी अ ग्रेट फिनोमेना एग्जिस्ट दैट वन इज कॉल्ड एज द नो स्लिप कंडीशन अब बात यह आई कि आखिर ये नो स्लिप कंडीशन है क्या आखिर ये नो स्लिप कंडीशन है क्या बहुत ही आसान भाषा में समझ समझा रहा हूं बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैंने कहा कि सपोज टू तो बी सपोज टू तो बी ठीक है ये क्या है दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द इन लेयर्स ऑफ फ्लूड को कॉल्ड एज द फ्री स्ट्रीम ध्यान दीजिएगा सबसे पहला मैंने बोला कि ये फ्री स्ट्रीम कहलाते हैं सुनते जाइएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से इलाबरेट ये सारी चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ग्रिप बढ़ता जाएगा ये सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आती जाएंगी और क्लियर हो जाएगा तब जब हम वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में कंप्लीटली मूव करेंगे सो डोंट वरी इतना जान लीजिए दैट वन इज कॉल्ड एज अ फ्री स्ट्रीम और फ्री स्ट्रीम के वेलोसिटी को यू इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं और फ्री स्ट्रीम के सारे लेयर्स की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम के सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम होती है फ्री स्ट्रीम के सारे लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती है सेम होती है देयर विल बी कंप्लीटली द फ्लूइड लेयर्स हैविंग द सेम वेलोसिटी फॉर द फ्री स्ट्रीम ठीक है ना यहां पे किसी तरीके का रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं करता है पे किसी तरीके का व, 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 क्या का रिलेटिव वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं करता है और ये सपोज टू बी क्या है आपका वन इज सपोज टू बी फ्लैट प्लेट एक फ्लैट प्लेट किसी तरीके का सॉलिड हो मैटर ये पाइप भी हो सकता है पाइप के अंदर इंटरनल फ्लो भी हो सकता है ठीक है ना फ्लो बिटवीन द चैनल्स फ्लो बिटवीन द चैनल्स का मतलब दो पैरल प्लेट्स के बीच भी आपका फ्लो होता है दैट वन इज द पाइप के अंदर भी फ्लो हो सकता है फ्लो बिटवीन चैनल्स के बीच भी हो सकता है और ये आपका सॉलिड सरफेस है also, ये किसी तरीके के सॉलिड बॉडी के ऊपर आपका फ्लो किसी तरीके के के सॉलिड बॉडी अगर आपका ऊपर फ्लो हो तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा एक सिंपल सा बहुत ही सिंपल सा कंडीशन यहाँ पे ले रहा हूं द फ्लैट प्लेट द फ्लैट प्लेट फ्लैट प्लेट कैसा कुछ इस तरीके से प्लेट कैसा ये लेंथ आपका दैट वन इज द विड्थ ऑफ दैट प्लेट इज नॉर्मल टू द बोर्ड इसलिए तो सामने से सिर्फ आप क्या देखोगे सामने से आप सिर्फ एक लेंथ ऑफ द प्लेट देखोगे अब होगा क्या अब होगा क्या थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये फ्लूड जैसे ही ये फ्लूड जैसे ही ये फ्लूड मॉलिक्यूल जैसे ही फ्लूड मॉलिक्यूल पहला फ्लूड मॉलिक्यूल इस सरफेस के जस्ट एडजेसेंट सर्फेस के जस्ट एडजराएगा मॉलिक्यूल ठीक है ना जैसे ही इस सॉलिड सर्फेस का टकराएगा कम्स इन कंप्लीट स्टॉप रिलेटिव टू द सॉलिड सर्फेस और रिलेटिव टू द सॉलिड सर्फेस का मतलब कि सपोज टू भी अगर इस फ्लैट प्लेट का ऑफ़ द सॉलिड सरफ़ेस जीरो है, तो इसका भी वेलोसिटी जीरो होगा और इसका सर्टेन नॉन जीरो है, तो इसका भी, इसका भी, वेलोसिटी इसके बराबर रहेगा इसका भी वेलोसिटी सपोज वी ऑफ़ सॉलिड इज इक्वल टू सर्टेन वी और ये यू इनफिनिटी है तो इसकी भी वेलोसिटी वी हो जाएगी ताकि ये प्लेट के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा आपका ऑलवेज स्टॉप रहेगा ऑलवेज ऑलवेज नो मोशन कंडीशन रहेगा ठीक है इस प्लेट के रे, रेस्पेक्ट में इसकी हमेशा क्या रहेगी? जीरो रहेगी, ठीक है ना तो so come, और सिर्फ ये तो एक मॉलिक्यूल रहा हूं एक्चुअली जब आएगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नियर टू द सॉलिड सरफेस आएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नियर टू द सॉलिड सरफेस आएंगे नियर टू सॉलिड सरफेस आएंगे ठीक है ना जिसके कारण क्या बनेगा फ्लूड का एक कंप्लीट लेयर बनता है और ये लेयर लेयर कम्स इन कंप्लीट स्टॉप रिलेटिव टू द सॉलिड सरफेस और यू कैन दैट लेयर द जस्ट एड लेयर कंप्लीटली स्टिक टू द सॉलिड सरफेस दैट कंडीशन इज सिंपली कॉल्ड एज द नो स्लिप कंडीशन अब ऐसा क्यों भाई मैंने कहा फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड सॉलिड के बीच विस्कस फोर्स दो फ्लूड लेयर के बीच अगर रिलेटिव मोशन है लेकिन अगर एक सॉलिड सरफेस आ जाए और एक क्या आ जाए एक सॉलिड सरफेस आ जाए और एक क्या आ जाए फ्लूड लेयर्स आ जाए इनके बीच भी फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है और ये फ्रिक्शनल इफेक्ट ठीक है ना इनके बीच भी फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है और वो फ्रिक्शनल इफेक्ट भी कहीं ना कहीं किसका आ, आ, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है कहीं ना कहीं विस्कॉस सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं विस्कॉस सिटी ही रिस्पॉन्सिबल है ध्यान दीजिएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें क्लियर होती जाएगी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बस इतना जान लीजिए फॉर द टाइम बींग कि कहीं ना कहीं यहां पे भी एक सॉलिड सरफेस और एक लिक्विड एडजस्टन लिक्विड के बीच भी, भी फ्रिक्शनल इफेक्ट आता है और कहीं ना कहीं ये भी इसका भी रीजन कहीं ना कहीं विस्कॉसिटी ही है

फ्लुइड लेयर्स की बात हो रही है उसके एडजसेंट फ्लुइड लेयर्स की बात हो रही है तो उसके एडजसेंट जब फ्लुइड लेयर्स आता है तो उन दोनों के बीच आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है कि कंप्लीटली उसे क्या कर लेता है कंप्लीटली उसे ट्रैप कर लेता है एंड हैविंग द कंडीशन सॉरी व्हाट वी कैन से द द एडजसेंट फ्लुइड हैविंग नो मोशन रिलेटिव टू द कंप्लीटली उसे रोक लेता है उसे मूव करने ही नहीं देता ठीक है ना उसे कंप्लीटली रोक लेता है उसे मूव करने ही नहीं देता है सॉलिड सरफेस ठीक है ना इज कॉल्ड एज कंडीशन इज कॉल्ड एज द वॉट दट कंडीशन इज कॉल्ड एज द नो स्लिप कंडीशन बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल ये नो स्लिप कंडीशन ये नो स्लिप कंडीशन भी कहीं ना कहीं किसके कारण आता है के कारण ही आता है। अगर नहीं होता, तो ये कंडीशन भी नहीं होता। मैंने कहा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन क्लियर होती जाएंगी लेकिन एक ही साथ शायद आपको क्लियर ना हो ठीक है तो मैंने कहा सिंपली नो स्लिप कंडीशन क्या है अब नो स्लिप कंडीशन का मतलब है एक सॉलिड सर्फेस लिया वो सॉलिड सर्फेस अब किसी तरीके का हो सकता है ऐसा हो सकता है या पाइप हो सकता है पाइप के अंदर का फ्लो हो सकता है या फ्लो बिटवीन द चैनल्स यानी कि पैरेलल प्लेट्स के बीच आपका फ्लो हो सकता है या फिर एक सिंपली फ्लैट प्लेट के बीच फ्लैट प्लेट पे के ऊपर फ्लो हो सकता है तो इसीलिए बहुत सिंपल कंडीशन लिया मैंने ये फ्लैट प्लेट कुछ इस तरीके से है आपका ठीक है ये लेंथ ऑफ़ द प्लेट देख रहे हो जैसे ही प, पहला मॉलिक्यूल आया, दैट वन इज़ कम्स कम्स इन इन द द स्टॉप, नो मोशन कंडीशन रिलेटिव टू द सॉलिड सरफेस। और यू कैन से मैंने कहा कम्स इन कंप्लीट स्टॉप रिलेटिव टू द सॉलिड सरफेस। यानी कि सॉलिड सरफेस के रिस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल का जीरो वेलोसिटी हो जाएगा यानी कि अगर इस प्लेट की वेलोसिटी जीरो है तो इसकी भी वेलोसिटी इस जीरो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कारण क्या होगा एक कंप्लीट फ्लू लेयर बनेगा तो क्या कहेंगे द जस्ट इन कंप्लीट स्टॉप रिलेटिव टू द सॉलिड सरफेस और यू कैन से

तो इसके बारे में थोड़ा लिख दे रहा हूं मैं कैंसर मर लीजिए लिख दे रहा हूं मैं इसके बारे में इसके बारे में लिख दे रहा हूं यू कैन नोट इट ठीक है मैंने कहा नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सोज ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सोज वेन फ्लूड फ्लोज ओवर ओवर अ सॉलिड सर्फेस सॉलिड सर्फेस और नॉन पोरस सर्फेस नॉन पोरस नॉन पोरस नॉन पोरस सर्फेस

adjacent adjacent layer then because of high skin friction then because of high skin friction adjacent layer adjacent layers adjacent layers comes in complete stop comes in complete complete stop comes in complete stop relative to the solid surface, relative to the solid surface, relative to the solid surface or completely completely stick stick to the solid stick to the solid surface surface. This condition is called as the this condition, this condition, yeah. This phenomena it will be better. This phenomena. This phenomena. This phenomena is called as a called as a no sleep condition. No sleep condition. This phenomena is called as no sleep condition. This phenomena is called as no sleep condition. And the fluid property. भी लिख लीजिएगा एंड द फ्लुइड प्रॉपर्टी एंड द फ्लुइड प्रॉपर्टी एंड द फ्लुइड प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नो स्लिप कंडीशन नो स्लिप कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉल्ड एज विस्कोसिटी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी

उन नोट डाउन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द नो स्लिप कंडीशन फर्स्ट वन इसी के कारण मैंने कहा कि सिर्फ अभी बता दे रहा हूं ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैंने कहा कि ये चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाएंगी ये आपके लिए एक ठीक है ना ये एक क्या है दैट वन इज ग्लिम्स ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड कहीं ना कहीं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीजें आपके लिए आसान करती अच्छा, इस कारण से ऐसा हुआ था हमने शुरू में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू में पढ़ा था तो मैंने इसी नो स्लिप कंडीशन के कारण मैंने कहा कॉन्सिक्वेंस ऑफ नो स्लिप कंडीशन द फर्स्ट वन ग्रोथ ऑफ ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडाइनमिक डोडानिक बाउंड्री लेयर ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और ग्रोथ हाइडोडानिक बाउंड्री लेयर लेडोड बाउंड्री लेयर लेडोडानिक बाउंड्री लेयर लेडोडानिक बाउंड्री लेयर द सेकंड सेकेंड विस्कस इज इफेक्ट बताऊंगा कि ये क्या होता है डोंट वरी विस्कस सियरिंग इफेक्ट बताऊंगा विस्कस मतलब कुल मिलाकर विस्कस इफेक्ट समझिए सीधी सी बात है विस्कस सियरिंग इफेक्ट और क्वाइट क्वाइट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट विस्कस सियरिंग इफेक्ट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट विद इन द विदिन द विदिन दी बी एल विस्कस इफेक्ट का मतलब सिंपल फ्रिक्शनल इफेक्ट इस वीबीएल के अंदर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर के अंदर एक्चुअली क्या होगा कि आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट या विस्कस इफेक्ट जिसे जनरली विस्कस सीरिंग इफेक्ट कहते हैं आगे समझाऊंगा मैं डोंट वरी तीसरा एंड फाइनल अब आपका विस्कस सीरिंग इफेक्ट लगेगा तो उसके कारण एक ड्रैग फोर्स भी लगेगा तो फ्रिक्शनल ड्रैग जैसे जैसे कहाज दी पढ़ रहे हैं तो के क्या हो रहा है और क्या इसके कारण आगे इफेक्ट आएंगे इसलिए हम यहां देख रहे हैं और ये नो स्लिप कंडीशन का अभी थोड़ा बहुत आगे काम भी आएगा इसलिए मैंने नो स्लिप कंडीशन के बारे में बताया है बट ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर searing effect is quite significant within vbl and frictional drag frictional drag force on the solid surface on the solid surface on the solid surface always along the always along the always along the direction of flow always along the direction of

थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब चलेंगे हम इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ठीक है मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिकल एनालिसिस सबसे पहले मैथमेटिकल एनालिसिस में पहले ये बताने जाऊंगा मैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्ट्रेस मैंने क्या बताया था सीयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा थी मैंने वेरी फर्स्ट क्लास में इस चीज को डील किया था और मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोजनल टू डी थीटा बाई डी टी दैट सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी दैट दट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी अब यहां से मैंने क्या किया क्या किया मैंने प्रोपोसनलिटी को हटाया तो क्या आएगा यहां पे एक प्रोपोशनलिटी कांस्टेंट आएगा विल बी द कांस्टेंट दैट वन इज प्रोपोसनिटी प्रोपोसनिटीलिटी कांस्टेंट प्रोपोशनलिटी कांस्टेंट अब इस प्रोपोसनलिटी कांस्टेंट के लिए क्या किया गया सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशन किए गए इस प्रोपोसनिटी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया सर्टेन एक्सपेरिमेंटेशन किए गए अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से सपोज टू बी फ्लूड ए क्या है आपके पास फ्लूड ए और क्या है आपके पास सर्टेन फ्लूड बी फ्लूड बी दोनों के ऊपर आपने क्या किया सेम सीयर स्ट्रेस लगाया दोनों के ऊपर क्या किया आपने सेम सियर स्ट्रेस लगाया फ्लूड बी फ्लूड फ्लूड ए दोनों के ऊपर सेम सियर स्ट्रेस लगाया आपने दोनों के ऊपर जब सेम सियर स्ट्रेस लगाया आपने देखा इन वन सेकेंड इन वन सेकेंड एक सेकेंड में इसके लिए जो डिफॉर्मेशन है इसके लिए जो डिफॉर्मेशन है ठीक है थीटा ए कर दे रहा हूं मैं और इसके लिए जो डिफॉर्मेशन परमानेंट डिफॉर्मेशन याद है ना अरे ये सीरियसनेस लगाने के बाद लगातार डिफॉर्म होता जाएगा कहीं रुकने वाला नहीं है दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन और इसी कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन के कारण इसके पास क्या है फ्लू के पास एबिलिटी टू फ्लो है और इसी के कारण कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन के कारण एक पर्टिकुलर सी स्ट्रेस के कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन के कारण हम सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन की बात ना करके रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वही इसीलिए दोनों में कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा लेकिन मैंने कहा कि इन वन सेकेंड मैंने देखा कि थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी इसका मतलब क्या है फॉर अ पर्टिकुलर सीट्रेस डी थीटा बाई डी टी फॉर ए इज ग्रेटर देन बाई डी टी फॉर बी डी थीटा बाई डी टी फॉर बी इसका मतलब क्या सीयर स्ट्रेस कॉन्स्टेंट यानी कि जब भी होगा इन दोनों का प्रोडक्ट हर हाल में क्या आने वाला है कांस्टेंट आने वाला है थोड़ा देखिए इसका मतलब कि अगर डी थीटा बाई डीटी डी थीटा बाई डीटी अगर ज्यादा होगा तो म्यू क्या होगा कम होगा और डी थीटा टा बाई डी टी कम होगा तो म्यू क्या होगा ज्यादा होगा अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक चीज तो क्लियर हो गया इसका मतलब यह मिला कि ए के लिए म्यू क्या होगा एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ए के लिए म्यू क्या होगा बी से कम होगा इसका साफ मतलब है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहीं ना कहीं फ्लू टू फ्लूड आपका क्या होगा चेंज होगा जब आपका फ्लूड टू फ्लूड चेंज होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है आपका दिन नथिंग बट कॉल्ड एज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लू इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड ठीक है ना इंटरनल क्योंकि फ्लूड टू फ्लूड क्या हो रहा है आपका डी टी डा बाई डी टी डिफरेंट हो रहा है एक्सएम स्ट्रेस के लिए तो म्यू म्यू भी चेंज चेंज हो हो रहा है। हो रहा है है इसका मतलब साफ है कि अगर फ्लूड टू फ्लू चेंज हो रहा है इसके वैल्यू में तो कहीं ना कहीं इसके अपने इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण ही कुछ ऐसा होगा कि ये प्रोफेसनलिटी कांस्टेंट चेंज हो रहा है यानी कि सीधी सी बात है दैट वन इज आल्सो कैन बी कंक्लूडेड एज दैट वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लू ठीक है ना अब ये देखेंगे कि ये क्या है ये देखेंगे कि ये क्या है थोड़ा ध्यान से देखिए मैंने कहा कि जिसके लिए डी थीटा बाई डी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए जिसके लिए डी थीटा बाइ डी ज्यादा मैंने कहा सेकंड में समझिएगा बात के एक सेकंड में जिसके लिए डिफॉर्मेशन ज्यादा है एक सेकंड में जो ज्यादा डिफॉर्म कर रहा है एक सेकंड में जो ज्यादा डिफॉर्म कर रहा है उसके पास एबिलिटी टू फ्लो क्या होगी ज्यादा होगी यानी कि जिसके लिए डी थीटा बाई डी टी ज्यादा उसका फ्लो एबिलिटी क्या होगा फ्लो एबिलिटी ज्यादा होगा ठीक है ना और इसका फ्लो एबिलिटी जिसका कम है उसका फ्लो एबिलिटी क्या होगा फ्लो एबिलिटी कम होगा फ्लो एबिलिटी कम होगा ठीक है ना थोड़ा ध्यान दीजिए यानी कि अब इस चीज पर थोड़ा गौर फरमाइएगा इस चीज पे गौर फरमाइएगा यानी कि जिसका ज्यादा म्यू जिसका ज्यादा म्यू उसके लिए फ्लो एबिलिटी कम फ्लो एबिलिटी का मतलब फ्लोएबिलिटी का मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा होना चलिए ये तो ही चुका हूं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा होना यानी कि जिसके लिए ज्यादा उसके लिए फ्लोएबिलिटी कम जिसके लिए कम उसके लिए फ्लोएबिलिटी ज्यादा इसका मतलब ये क्या बता रहा है दिस इज द पैरामीटर इट इज द पैरामीटर इट इज द पैरामीटर टू मेजर मेजर द रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट ये डिफॉर्म करने से यार फ्लो एबिलिटी क्यों कम है क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका ये क्या कर रहा है आपका डिफॉर्मेशन होने से रेसिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन करने से रेसिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन करने से क्या कर रहा है रेसिस्ट कर रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफॉर्मेशन करने से ये ज्यादा है तो डिफॉर्म करने से रेसिस्ट कर रहा है अगर ये कम है तो डिफॉर्म इजिली हो रहा है तो यानी कि क्या कह सकते हैं इट इज अ पैरामीटर टू मेजर द रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन जितना ही ज्यादा रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन होगा फ्लोएबिलिटी उतना ही कम होगा रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन जितना ही ज्यादा रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन होगा फ्लोएबिलिटी उतना ही कम होगा जितना ही कम रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन होगा फ्लोएबिलिटी उतना ही क्या होगा आपका ज्यादा होगा आई थिंक विल बी नो प्रॉब्लम आई होप विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल मैंने फिर से कहा चलिए आइए चलते हैं मैथमेटिकल सबसे पहले मैंने देखा एनालिसिस किया मैंने दो फ्लूड लिया मैंने और दोनों फ्लू पे क्या किया मैंने सेम सीयर स्ट्रेस लगाया और सेम सीयर स्ट्रेस लगाने के कारण क्या हुआ आपका एक सेकंड में मैंने देखा कि B, इसका मतलब ए के लिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा है और बी के लिए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम अगर कांस्टेंट है ये तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना है सेम होना है अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये ए के लिए म्यू जो है कम है और बी के लिए जो म्यू है होगा वो ज्यादा होगा से है, इसका मतलब क्या ये सीधे सीधे दिख रहा है कि जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए डिफॉर्मेशन कम है तो ये तो क्लियर हो गया तो, एक चीज और क्लियर हो गया फ्लू टू फ्लूड वेरी कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लूड के अपने इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लू विच विच इज़ द पैरामीटर टू मेजर द रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन और रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन जितना ही ज़्यादा होगा उसकी फ्लो एबिलिटी को उतना ही कम करेगा यानी कि रेसिस्टेंट टू फ्लो होगा यानी कि रेसिस्टेंट टू जितना ही ज़्यादा होगा उस फ्लुइड में रेसिस्टेंट टू तो फ्लो उतना viscosity, finally it is named as the viscosity, viscosity or simply or dynamic viscosity, dynamic viscosity or coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, coefficient of viscosity. This is exactly the result. This one is exactly the result. यही समझाया मैंने और ये यहां पे फाइनल जो एक लास्ट लाइन लिखा था मैंने पैरामीटर टू मेजर द रेसिस्टेंट टू फ्लो ये भी मैंने समझा दिया ये रेसिस्टेंट टू डिफॉर्मेशन जो भी कह लीजिए डिफॉर्मेशन का रेसिस्टेंस होगा यानी कि फ्लो का भी रेसिस्टेंस होगा ठीक है ना फ्लो में भी रेसिस्टेंट क्रिएट करेगा आगे बढ़ेंगे हम लोग जब ये सीख लिया तो अब यहां पे ये देखेंगे डी थीटा बाई डी टी को और इजीली कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट तो ये हमें देखना है कि इस डी टीटा बाई डी टी को कैसे और इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा आइए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस इन चीजों का तो सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस पे आने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ताकि उस नो स्लिप कंडीशन को थोड़ा सा आप समझ पाओ क्योंकि इस इस चीज को समझाने के लिए मुझे उसके कंडीशन no से होते हुए जाना ही पड़ेगा उस पहले हमें नो स्लिप कंडीशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना ही पड़ेगा तभी हम इसे समझ पाएंगे कि डी थीटा बाई डी टी को और कैसे लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं मैंने कहा सपोज टू बी सपोज टू भी एक क्या है आपका सपोज टू भी दो पैरल प्लेट्स है दो पैरल प्लेट्स है ध्यान दीजिएगा दो पैरल प्लेट्स है दो पैरल प्लेट्स हैं दो पैरल प्लेट्स, 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 प्लेट्स हैं और यहां पे क्या है सर्टन फ्लूड इनके बीच में ट्रैप्ड है ध्यान दीजिएगा सर्ट एंड इनके बीच में फ्लूड इज सैंडविच्ड, सैंडविच्ड, सैंडविच बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से चल रहा हूं और फ्लूड का अपना कोई मोशन नहीं है द फ्लूड चाहे छोड़िए पहले इतना समझ लीजिए अच्छा लिखी दे रहा हूं फ्लूड फ्लूड हैविंग हैविंग नो मोशन इनिशियली इनिशियली हैविंग नो मोशन इनिशियली फ्लूड का अपना कोई फ्लूड हैविंग इट्स नो मोशन फ्लूड नो मोशन फ्लूड अपने आप के पास किसी तरीके का मोशन नहीं समझाए समझाऊंगा धीरे धीरे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ते जाइए जाइएगा आप खुद ब खुद इन चीजों को समझते जाइएगा पहले तो मैंने कहा कि दो पैरल प्लेट्स हैं दो पैरल प्लेट्स हैं जिनके बीच क्या है फ्लूड इज सैंडविच बिटवीन द टू पैरल प्लेट्स और यू कैन से द फ्लूड है इसका अपने पास किसी तरीके का मोशन नहीं है यह मैंने कह दिया इनिशियली किसी तरीके का मोशन नहीं है इसमें जो मोशन क्रिएट होगा इस फ्लूड में जो मोशन क्रिएट होगा दोनों प्लेट के आपस में रिलेटिव मोशन के कारण क्रिएट होगा देखिए थोड़ा ध्यान से फ्लूड इनिशियली और ये कह सकते हो फ्लूड हैविंग नो मोशन इट अपने आप इसका किसी तरीके का मोशन नहीं है तो मैंने क्या कहा इसमें जो मोशन कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा डोंट वरी मैं समझाऊंगा अपने आप सारी चीजें समझ जाओगे आप ठीक है ना मैंने कहा कि यानी कि फ्लूड है स्टैटिक कंडीशन में अगर प्लेट स्टैटिक कंडीशन में है तो फ्लूड भी स्टैटिक कंडीशन में है और जब फ्लूड आपका मोशन में आएगा वो किस कारण से फ्लूड मोशन में आएगा आपके प्लेट के मूवमेंट करने से आपका मोशन में आएगा एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने बस समझने के लिए फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ना समझने के लिए मैंने क्या कहा

यहां पे सर्टेन वेलोसिटी v1 दिया और इसे इस प्लेट को इनिशियली क्या किया मैंने स्टैटिक कंडीशन में रखा v1 मत करिए करिए अभी फिलाल में v नो करिएट ऑल ठीक है no ना इस इसे स्टैटिक कंडीशन में रखा मैंने अब क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा व्हाट इज मैंने कहा कि इनके बीच क्या है फ्लूड है इसका इनिशियली मोशन इसका मोशन तब तक जीरो है जब तक कि प्लेट किस किसमें है स्टैटिक कंडीशन में है इसमें आपका मोशन क्रिएट तभी होगा जब प्लेट के बीच आपस में रिलेटिव मोशन होगा समझते जाइएगा अब यहाँ पे हम समझने के लिए माइक्रोस्कोपिकली समझने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं इस चीज को माइक्रोस्कोपिकली समझने के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं अब थोड़ा देखिए ध्यान से एक पर्टिकुलर सेक्शन वैसे तो पूरा प्लेट ठीक है ना पूरा प्लेट अपने आप समझ में आ जाएगा जब एक पर्टिकुलर सेक्शन में यहां पे लूंगा डोंट वरी एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे लूंगा अपने आप धीरे धीरे प्लेट का आ, सारा का सारा आइडिया लग जाएगा आप लोगों को ठीक है ना मैंने कहा अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इस प्लेट के नजदीक एक पर्टिकुलर क्या होगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा और इस प्लेट के एडजेसेंट भी क्या होगा इस प्लेट के एडजेसेंट भी दैट प्लेट इज दैट प्लेट इज एज टू दैट मॉलिक्यूल

एडजस्टेंट लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें तो एक मॉलिक्यूल रिलेटिव रिलेटिव टू सरफेस अगर ये बिकॉज ऑफ हाई स्किन फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ हाई स्किन फ्रिक्शन और यू कैन से बिकॉज बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्लू क्या होगा जब ये आपका इसे मैंने खींचा या सडन वालसिटी इम्पार्ट किया मैंने सर्टेन वेलोसिटी इंपार्ट किया मैंने ठीक है ना और मुझे इसका वेलोसिटी मेंटेन रखना है समहाउ सर्टेन वेलोसिटी इंपार्ट किया मैंने जब सर्टेन वेलोसिटी इंपार्ट किया तो ए भी नो स्लिप कंडीशन के कारण इसका भी क्या हो जाएगा इसका भी वेलोसिटी सेम एज द प्लेट हो जाएगा क्या सेम एज द प्लेट हो जाएगा क्योंकि ए मॉलिक्यूल ऑलवेज नो इन द नो स्लिप कंडीशन विद द वन बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्शन इफेक्ट ठीक है ना नो स्लिप कंडीशन में आ जाएगा और मुझे इसका मैंने इसको खींचा है फोर्स कितना भी लगाना पड़े लेकिन मैं मुझे क्या करना है इसके वेलोसिटी को भी मेंटेन रखना है सम्भव ठीक है ना इसका नो स्लिप कंडीशन हो गया अब क्या होगा जस्ट इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल जस्ट इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल के बारे में एनालिसिस करते हैं ठीक है ना जब ये वीक कंडीशन में आएगा जब ये वेलोसिटी वाले कंडीशन में आएगा इसको विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं लेंथ इज मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है और एरो डायरेक्शन को डिनोट करता है आई थिंक हम लोग जानते हो नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा नीचे वाले मॉलिक्यूल अब उप, नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को तो क्या करेगा स्लो करने की कोशिश करेगा स्लो करने की कोशिश करेगा बिकॉज़ द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोसेस द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोसेस द रिलेटिव मोशन इस अपने विस्कोसिटी के प्रॉपर्टी के कारण नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले मॉलिक्यूल को तो स्लो करने की कोशिश करेगा लेकिन ए मॉलिक्यूल ये कहेगा कि भैया मेरे मैं कम हो नहीं सकता हूं मेरी वेलोसिटी आप कम कर नहीं सकते हो क्योंकि आई एम कंप्लीटली इन द नो स्लिप कंडीशन विद द वन मेरे और किसके बीच प्लेट के बीच इतना फ्रिक्शनल कोफिशियंट ज्यादा है कि जब तक प्लेट की वेलोसिटी आप मेंटेन रखोगे बी मेरे वेलोसिटी को आप कम नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें दोनों में साझगाट होगा साझगाट ये होगा कि ए मॉलिक्यूल ये कहेगा कि ठीक है हमारे बीच द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन हमारे बीच का रिलेटिव मोशन कम होना चाहिए ठीक है ना तो क्या होगा ये इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में ए मॉलिक्यूल आगे जा रहा है तो पीछे की तरफ लेकिन मैंने बताया था द स्लोअर लेयर ट्राइज टू स्लोज डाउन द फास्टर लेयर और इट्स वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू वो वॉइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू तो ए के रेस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल कहां जाएगा पीछे की तरफ तो इस पर क्या लगेगा एक आगे की तरफ फ्रिक्शनल इफेक्ट लगेगा आगे की तरफ फ्रिक्शनल इफेक्ट लगेगा लेकिन जस्ट नीचे वाला इस पर क्या कर रहा होगा जस्ट नीचे वाला फिर से इस पे एक लगा रहा होगा एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट इसकी सेम सेमीव नहीं हो पाएगी एज पाएगी और से क्या रह जाएगा लेस रह जाएगा और इस नीचे वाले के साथ भी वही होगा कि ये क्या चाहेगा ये अपने साथ इसको मूव कराना चाहेगा लेकिन नीचे वाला इस पर फर्दर एक विस्कस इफेक्ट लगाएगा जिसके कारण इसकी भी विलोसिडी सेम ऊपर एज अ रिजल्ट जैसे जैसे आप नीचे आओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा जो बी no रहेगा टू के साथ अगर टू आपका स्टेशनरी प्लेट है तो ये भी स्टेशनरी रहेगा एज अ रिजल्ट देविली वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा विल बी अ वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा होगा ठीक है ना इस चीज को इस चीज का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे डोन्ट वरी आपको यह कंफ्यूजन होगा कि सर ये विलोसडी ग्रेडियंट लीनियर क्यों ले लिया आपने डोंट वरी जब हम क्या देखेंगे जब हम फ्लो बिटवीन द पैरल प्लेट्स देखेंगे तो इस तरीके का कंडीशन वहां पे देखेंगे और जब इस तरीके का कंडीशन देखेंगे वहां पे मैथमेटिकली मैं प्रूफ करूंगा कि इस तरीके के कंडीशन में प्रोफाइल कैसा बनेगा लीनियर ही बनेगा प्रोफाइल कैसा बनेगा लीनियर ही बनेगा प्रोफाइल इज लीनियर मैंने कहा ना कि एक सिंपल एग्जाम्पल लिया है मैंने समझाने के लिए और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप प्रोफाइल कर्वेचर भी हो सकता है डोंट वरी प्रोफाइल आपका कर्वेचर भी हो सकता है प्रोफाइल आपका कर्वेचर भी हो सकता है बट मैंने कहा सिंपल समझ, एग्जाम्पल समझा ले लिया हमने जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज लीनियर प्रोफाइल बनेगा लीनियर प्रोफाइल दैट वन इज कॉल्ड एज द काउट फ्लो काउट फ्लो विदाउट प्रेशर

जब प्लेट आपस में रिलेटिव मोशन में आते हैं तब इसमें फ्लूड क्रिएट मोशन फ्लूड में मोशन क्रिएट होता है जैसा एक सिंपल सी बात सोचिए ना वैसे दो सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेशन है दो सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेशन है अगर मशीन कोई भी मशीन है मशीन के पार्ट्स में कोई मूवमेंट नहीं है तो क्या होता है आपका लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन फ्लूड है फ्लूड भी स्टैटिक कंडीशन में है और सर्फेस भी स्टैटिक कंडीशन में है लेकिन जैसे ही मशीन का पार्ट्स मूव करना होता है शुरू होता है दो सर्फेस के बीच रिलेटिव मोशन आते हैं दो के बीच जब रिलेटिव मोशन आते हैं तो उसके कारण लुब्रिकेशन में भी मोशन क्या होता है क्रिएट होता है फिर से जब मशीन बंद कर देते हो आपका मोशन क्या हो जाता है जैसे ही आपका सर्फेस के बीच का मोशन खत्म होता है लुब्रिकेशन का फर्दर मोशन क्या हो जाता है खत्म हो जाता है ठीक है ना तो लुब्रिकेशन का फर्दर मोशन खत्म हो जाता है इस तरीके के मोशन को क्या कहते हैं कॉर्ड फ्लो इस तरीके के फ्लो को कहते हैं कॉर्ड फ्लो विदाउट विदाउट प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट ग्रेडियंट मैंने कहा टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी और ये चीजें फ्लो बिटवीन द चैनल्स हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कॉर्ड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट और ये कब होगा इसी कंडीशन के लिए होगा अब आप सोच रहे होगे कि सर ऐसा कोई दीजिए जहां पे फ्लूड का खुद का मोशन हो बिल्कुल होता है जैसे मान लीजिए पाइप फ्लो है ये आपका पाइप फ्लो है पाइप फ्लो है पाइप तो है तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है फ्लो फ्लूड के पास अपना मोशन है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मीन्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल मीन्स का मतलब पंप हो सकता है फैन हो सकता है और या फिर सर्टेन रिजर्वायर में सर्टेन रिजर्वायर में आपका क्या हो सकता है एक पाइप लगा हुआ है सर्टेन रिजर्व में एक पाइप लगा हुआ है जैसे नदी वगैरह के नीचे क्या हुआ है पाइप लगा हुआ है तो प्रेशर के कारण फ्लो हो रहा है बाई सम एक्सटर्नल मीन्स तो यहाँ पे फ्लूड का क्या है अपना मोशन है यहाँ पे फ्लूड का क्या है अपना मोशन है फ्लो बिटवीन द चैनल्स भी पढ़ते हैं फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स भी पढ़ते हैं तो प्लेट अब स्टेशनरी कंडीशन में है बाय द एक्सटर्नल मीन अब क्या है फ्लो बिटवीन द चैनल्स आ रहा है फ्लो बिटवीन द दैरल प्लेट्स आ रहा है ठीक है लेकिन ये कंडीशन मैंने अभी नहीं लिया है जस्ट फॉर द ये सारी चीजें हम समझेंगे क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये समझाना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, वैसे ये चीजें आप समझते जाओगे ठीक है वैसे वैसे, वैसे ये चीजें आप समझते जाओगे तो हमने नो स्लिप कंडीशन देखा नो स्लिप कंडीशन के कारण क्या हुआ भाई नो स्लिप कंडीशन के कारण यहाँ बलॉसि ग्रेडियंट एग्जिस्ट हुआ और कैसा वेलोसिटी ग्रेडिएंट फॉर द टाइमिंग लीनियर प्रोफाइल एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द कॉर्ड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडिएंट अभी कब है मैंने कहा कि जब तक प्लेट शांत है तब तक फ्लूइड शांत है जब प्लेट में मोशन होगा फ्लूइड में भी मोशन होगा फ्लूइड में भी मोशन होगा चलिए आगे बढ़ते हैं जब ये आपका नो स्लिप कंडीशन है व्हाट हैपन एग्जैक्टली एक सिंपल सा कंडीशन हमने देखा अब यहां पे क्या देखेंगे हम अब यहाँ पे d थीटा टा बाई डी को और क्या लिख सकते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे बहुत ही इजीली लिख सकते हैं इस चीज को इस सिंप्लीफाइड रिजल्ट से हम सीधे सीधे देख लेंगे बाद में इसे जनरलाइज्ड बना लेंगे ठीक है ना इस सिंप्लीफाइड रिजल्ट से देख लेंगे बाद में इसे हम जनरलाइज्ड बना लेंगे ठीक है ना बहुत ही ईजी वे में डीठीटा बाई डी को और क्या लिख सकते हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आपका <coughs> देखिएगा ध्यान से समझते रहिए समझते रहिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें आपके लिए आसान होती जाएंगी ठीक है डोंट वरी ठीक है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अब देखिए जब भी फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन को हमेशा वाई कहते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा फ्लो के नॉर्मल डायरेक्शन को वाई कहते हैं और वाई हमेशा टेकन फ्रॉम द सर्फेस वाई इज ऑलवेज ऑलवेज चाहे इस सर्फेस से लें चाहे इस सर्फेस से लें हमारे लिए बेटर होगा लेकिन इस सर्फेस से लेना हमारे लिए इसलिए होता है कि इस सर्फेस से ये वाई का डायरेक्शन जनरली पॉजिटिव होता है इसलिए हम इसे क्या लेते हैं इसी डायरेक्शन को लेते हैं ठीक है ना y इज ऑलवेज मैंने कहा कि इस सर्फेस से लीजिए ये इस सर्फेस से लीजिए Y इज ऑलवेज ऑलवेज

वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो ठीक है अब क्या देखिए कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं सर्टेन y वाई पे सर्टेन y वाई पे ये वेलोसिटी कितना है u, ठीक है जीरो से लेके v तक वेरिएशन हो रहा है बट सर्टेन y वाई पे ये वेलोसिटी कितना है u और dy एक छोटा सा डिस्टेंस लिया मैंने पहले भी कहा कि जहां भी जनरली क्या होता है जहां भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन होता है जहां भी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन होता है किसी सिस्टम में तो उसके लिए हम क्या करते हैं एलिमेंट लेना पड़ता है डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ता है और उस डिफरेंशियल एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अपना एनालिसिस करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चीजों को तोड़ता है छोटा से छोटा बनाता है जिसके कारण कैलकुलेस क्याल, और कैलकुलस हमें उस छोटे से छोटे पार्ट उस डिफरेंशियल एलिमेंट पे हमें एनालिसिस करना सिखाता है और फिर इंटीग्रेशन क्या करता है उस उसे इंटीग्रेट करके जोड़ देता है और आपका फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन पूरे सिस्टम के लिए मिल जाता है ठीक है ना कैलकुलेश कैलकुलस क्या, का सबसे बेनिफिशियल एप्लीकेशन सबसे बेनिफिशियल एप्लीकेशन और इसीलिए कैलकुलस कैलकुलस बनाया भी गया इसीलिए कैलकुलस बनाया भी गया एक्चुअली इसी प्रॉब्लम्स के कारण तो मैंने कहा क्या कहा y और dy. तो यहां पे एक छोटा सा यू में चेंज आएगा और यहाँ पे छोटा सा चेंज क्या आएगा यू प्लस डी यू यहां पर छोटा सा चेंज क्या आएगा यू प्लस डी यू. यू, यू यू प्लस डी यू ठीक है ना u प्लस डी यू चेंज आएगा अब इसे मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं इसे मैग्निफाई कर रहा हूं इस डी डीवाई को मैग्निफाई कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से इस dy को मैग्निफाई कर रहा हूं मैंने वो कहा वाई ठीक है मैंने कहा वाई यू और ये डी वाई दैट वन इज यू प्लस डी यू ठीक है ये आपका डी वाई ध्यान दीजिएगा ये मैग्निफाई कर दिया मैग्निफाई कर दिया आप मैंने ठीक है ना अब ध्यान दीजिएगा जब मैग्निफाई कर दिया मैंने तो अब हमें क्या देखना है बेसिकली हमें एनालिसिस करना है कि थी डी टी वाई डी टी को किस तरीके से बहुत ही इजीली लिख सकते हैं तो यानी कि हमें किस चीज का ध्यान देना है हमें ध्यान देना है एक स्मॉल टाइम के लिए इसका मूवमेंट यहां का जो मॉलिक्यूल है यहां का जो मॉलिक्यूल है इसका डी टी टाइम के लिए मूवमेंट इसके डी टी टाइम के लिए मूवमेंट ध्यान दीजिएगा ये टी टाइम के लिए है उस टी टाइम में यहां का मॉलिक्यूल यहां पे है यहां का मॉलिक्यूल यहां पे है ठीक है ना लेकिन जैसा और ये तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये कुछ है नहीं यहां ये रिप्रेजेंटेशन ये दे रहा है कि जब टी टाइम में ये मॉलिक्यूल यहां पे है तो उसकी वेलोसिटी यू है ये जो एरो दिखा रहा है वो ये मत सोच लेना कि ये मूवमेंट है नहीं भैया ये मूवमेंट नहीं है ये दिखा रहा है कि एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इस मॉलिक्यूल का जो आपका वेलोसिटी है यू है जिसे आप एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन है ना कि मूवमेंट रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना कि आपका इसका मूवमेंट शो कर रहे हो ना कि इसका आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपका क्या है ये u है और ये u प्लस डी यू है ये मूवमेंट शो नहीं कर रहे हो ये उस इंस्टेंट में इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो व्हाट हैपन एक्चुअली व्हाट हैपन एक्चुअली तो हमें फॉर द डी थीटा फॉर द डीटी टाइम अब डी टी टाइम के कारण ये मॉलिक्यूल तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस मूव करेगा ना डीटी डीटी टाइम के कारण ये मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आपका प्लेट मॉलिक्यूल मूव करके गया यू इंटू थोड़ा इसे रिप्रेजेंट करूंगा बड़ा जानबूझ के ताकि आप रियलाइज कर सको ठीक है ना और ये गया डीवाई डिस्टेंस पे ये गया यू प्लस डी यू इंटू डी टी डी यू इन डी टी मूवमेंट करके गया एंड दैट वन इज द डी वाई एंड इज दैट वन इज द वाई अब क्या है आपका दैट वन इज एग्जैक्टली द डिफॉर्मेशन डी टी टाइम के कारण क्या होगा कितना ये मॉलिक्यूल चलेगा उसके कारण कितना डिफॉर्मेशन होगा ऑब्वियस डी थीटा बाई डिफॉर्मेशन होगा डी थीटा डिफॉर्मेशन होगा वन इज़ डी थीटा डिफॉर्मेशन डी टी के कारण अगर यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला यहां पे तो थोड़ा सा आप रियलाइज करना कि ये भी क्या हो जाएगा आपका ये भी डी थीटा होगा ये भी आपका डी थीटा होगा और ये रेड कलर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यू डी टी यू प्लस डी यू इंटू डी टी माइनस यू इंटू डी टी ये कैंसिल ये कैंसिल क्या बचेगा डी यू इंटू डी टी बचेगा दैट डिस्टेंस विल बी डी यू इंटू डी टी दैट डिस्टेंस विल बी डी यू इंटू डी टी सब कुछ हो गया और ये वाला नॉर्मल डिस्टेंस तो आपका डी वाई है ही क्या होगा आपका एक्चुअली व्हाट वी कैन से दैट डी थीटा टैन डी थीटा क्या लिख सकते हैं यहां से देखिए टेन डी टीटा क्या लिख सकते हैं टेन डी टीटा कैन बी रिटर्न एज ठीक है ना डी यू बाई डी टी बाई डी वाई डी यू इंटू डी टी बाई डीवाई यू नो वेरी वेल शायद आप लोग जानते होंगे कि दैट वन इज ध्यान दीजिएगा ठीक है ना एंगल के सामने वाला हमेशा सा क्या लेते हैं एंगल के सामने वाला साइड ऑलवेज टेकू बी एल ठीक है

तो क्या लिख सकते हैं डैट वन इज डी यू इंटू डी टी डैट वन इज डी यू इंटू डी टी बाई डी वाई डी यू इंटू डी टी बाई डी वाई ठीक है ना यू नो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल इफ थीटा टेंस टू जीरो इफ थीटा टेंस टू जीरो थीटा कैन बी रिटर्न एज थीटा तो यहाँ तो आप सभी समझ रहे हो सभी लोग समझ रहे हो कि डी थीटा तो वैसे ही बहुत छोटा होता है डिफरेंशियल थीटा है ठीक है ना बहुत ही छोटा है तो डी टेन डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं टेन डी थीटा की जगह डी थीटा इज इक्वल टू डी यू इन टू डी टी बाई डी वाई एंड नाउ वी कैन राइट डाउन डी टी को इधर भेजिए डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई कैन बी रिटन एज अब देखिए इस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को हम कैसे लिख सकते हैं दैट वन इज रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को क्या लिख सकते हैं और यू कैन से फाइनली हमको क्या मिला दैट सीट्रेस कैन बी रिटर्न एज दीस कैन बी रिटर्न एज द सीट्रेस कैन बी रिटर्न एज म्यू इंटू म्यू इन टू D theta by dt is equal to mu into du by dy. mu into du by dy. mu into du by d y. OK? J is equal to mu into d theta by dt is equal to mu into du by dy. You can easily write down this one. Take अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दिस इज द मैथमेटिकल एनालिसिस कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस ध्यान दीजिएगा पहले मैंने नो स्लिप कंडीशन का समझाया और एक सर्टेन एग्जांपल बहुत ही इजी एग्जांपल लेके समझाया मैंने जिसमें आप लोग इजीली समझ सको क्योंकि इसपे मुझे आगे बढ़ना है तो कहीं ना मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक कोई ना कोई एग्जाम्पल देना था और उस एग्जाम्पल को मुझे प्रॉपर समझाना था क्योंकि अगर प्रॉपर नहीं समझाता तो एवरी कैन Think why the the velocity gradient कारण ही तो डिफॉर्मेशन होगा इसका ज्यादा और जिसके कारण आपका डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मीज अड फ्लो विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट और ये कब होगा मैंने कहा कि तभी होगा जब फ्लूड का अपना इनिशियल कोई मोशन नहीं होगा फ्लूड में मोशन ऑलवेज क्रिएट होगा प्लेट्स के रिलेटिव मोशन के कारण अदरवाइज मैंने कहा कि फ्लूड में क्या हो सकता है अपना मोशन भी हो सकता है जैसे पाइप फ्लो देख लो पाइप फ्लो में क्या होता है आपका अपना फ्लूड का मोशन होता है फ्लो बिटवीन द ठीक है ना पैरल प्लेट्स भी पैरल प्लेट्स का भी एक ऐसा कंडीशन आता है जब प्लेट्स आपके स्थिर रहते हैं और फ्लो क्या होता है फ्लूड के पास अपना मोशन होता है बाय द सम एक्सटर्नल मीन्स बाय द सम एक्सटर्नल Means. ठीक है ना ये चीज मैंने बताया और इसे थोड़ा सा इनलार्ज किया मैंने कहा कि हमेशा डिफ्रेंसिएशन या इंटीग्रेशन का सहारा लिया जाता है कहीं पे भी अगर आपके सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन हो रहा हो तो आप फ्रॉम द

डी वाई पे ये u है तो u u प्लस डीवाई तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इनलार्ज किया मैंने u और u प्लस डीवाई ये एक सर्टेन इंस्टेंट पे है ये एक सर्टेन इंस्टेंट पे इस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी शो कर रहा है ये मूवमेंट शो नहीं कर रहा है ठीक है ना मूव नहीं किया है मॉलिक्यूल तो यहीं पे है मॉलिक्यूल तो यहीं पे है बट एक सर्टेन टाइम पे ये इसकी वेलोसिटी है ये इसकी वेलोसिटी है मॉलिक्यूल दोनों यहीं पे है लेकिन सर्टेन एन टाइम बीटा

यहाँ पे थोड़ा देखें यहां से फिर एक नॉर्मल डाला है मैंने तो ये भी आपका डिस्टेंस डी यू इंटू मिला और ये भी आपका डी थीटा ही होगा और ये कैलकुलेशन करके मिला डी थीटा बाई डी टी डी इज इक्वल टू डी यू डी वाई तो इज इक्वल टू दिस वन म्यू इंटू डी यू डी वाई ठीक है ना क्लियर है चलिए आज के लिए बस हम यहीं पे रोकेंगे एंड टुमारो अगेन वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे थैंक यू